अस्सलाम वालेकुम। पौने तीन के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नई हुकूमत आ गई, केयर टेकर हुकूमत चली गई। पौने तीन के प्रोड्यूसर ने चार दिन पहले मुझे अपने पास बुलाया और बहुत मोहब्बत और प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा टेक केयर। बात ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। पौने तीन का आज का मौजू है पाकिस्तान में पैदा होने वाली तरकारियाँ और यूरोपी मंडी में उनकी मांग। तो मोहसिन अली कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा मौजू भी नहीं, कुछ और सोचें आप। मैंने उनसे कहा बात यह है कि जी पौने तीन जो है अवामी प्रोग्राम है। शुरू से हम यही कह रहे हैं कि ये अवामी प्रोग्राम है। जितने अवामी मसाइल हैं पौने तीन में हम उनका हल तलाश करते हैं। हमने भी 90 दिन का वादा किया था आप लोगों से कि पौने तीन 90 दिन में ख़त्म होगा। इंशाल्लाह 90 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और 90 दिन अगर 90 दिन में ख़त्म हो जाए तो कितना मज़ा आता है। पौने तीन का आज का मौजू है तिजारत, दरामद बरामद और फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म भी एक इंडस्ट्री है, प्रोग्राम इंडस्ट्री पर है। मगर हालात ऐसे हैं कि बगैर इन हालात के बात किए हुए ज़्यादा मज़ा नहीं आता। नई असेंबली के एक पुराने MNA कराची आए और एक दुकान में गए साउंड सिस्टम खरीदने के लिए। तो दुकानदार ने उनको स्टीरियो का सेट दिखाया। MNA ने कहा कि ये स्टीरियो क्या होता है? तो दुकानदार ने कहा कि इसमें से एक स्पीकर में से एक अलग आवाज़ आती है, एक स्पीकर में से अलग आवाज़ आती है। कहेंगे इस्लामाबाद के लिए बेकार है क्योंकि अब वहाँ दोनों स्पीकरों से एक ही आवाज़ आएगी। चलें, पौने तीन के जो पहले मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। हमारे वतन में बहुत लोग रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे लोग जिनकी मोहब्बत, मेहनत और शफकत से, मतलब उन्होंने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। शुरू शुरू में तनख्वाहें देने को तैयार थे यहाँ के अफसरों की। वो लोग हैं मेमन। मेमन, हमने स्टूडियो 2.5 में मेमन को बुलाया मगर किसी मेमन ने एतराज़ नहीं किया। वो मेरे दोस्त हैं बहुत। उससे पहले 50-50 में, शोशा में, चैनल 2 में, ऑफिस में, हर जगह कभी एतराज़ नहीं हुआ। और आज भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं मेरे मेहमान, तो आप भी मेमन हैं। और ये उनकी हिम्मत, मोहब्बत और शफकत के वो पौने तीन में आ गए। तशरीफ ला रहे हैं पौने तीन के मेहमान, कराची स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े और बहुत अच्छे ब्रोकर। पहले मेहमान, मैं सबसे पहले तो इस तरह, ये प्लीज इस तरह नहीं, हम लोग जैसे आराम लगेगा वैसे बैठेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आराम लगेगा वैसे बैठेंगे। ठीक। सबसे पहले तो मैं पौने तीन की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं आपको जानता हूँ, थोड़ी देर के बाद आप मेरे को बताइए क्या बोलोगे। बोलोगे जब मैं जाऊँगा तो आप मेरे को बोलोगे कि आपके जाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ आपको। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, मेरे मुंह मत लगना। बिल्कुल मेरे मुंह मत लगना। मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत मुंह फट हूँ। देखा फट कैसे निकला है। नहीं नहीं, आपके बारे में तो मैंने माशाल्लाह बहुत सुना हुआ है। आपका तो बड़ा एहसान है ना हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। तो मैं एक बात कह रहा था कि पाकिस्तान जो है ना, वो एक ख्वाब देखा था हमारे शायर ने, अल्लामा ने, और उस ख्वाब की ताबीर हमें पाकिस्तान की शक्ल में मिली। तो हम लोग जो हैं, हमारी यंग जनरेशन जो है, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जिसमें फले फूले चीज़ें आ रही हैं, दरामद बरामद तिजारत हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये ख्वाब जो है, हम मतलब जापान कब तक बन जाएंगे? ये एक वजीर है, उसने बोला था ना ये जापान के बराबर आ जाएंगे। आई वॉन्ट दैट एड्रेस ऑफ दैट वजीर। मेरे को उसका एड्रेस चाहिए। किधर है उसका एड्रेस? अरे बात करता है, वोटा वजीर बताओ, बोलते पाकिस्तान जो है वो जापान के बराबर में आ जाएगा। जोक ऑफ द सेंचुरी।
नहीं नहीं आप समझे नहीं, मैं ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मुंह मत लगना, आई एम वेरी आउटस्पोकन, मैं बहुत जो है ना मुफ्त आदमी हूँ जी। नहीं तो इसमें क्या बुरी बात है? चला चला बात करते हो, कौन सी बुरी बात है? अरे भाई एक बात सुनो, ये काफिया मेरे से पाकिस्तान जो है जापान के बराबर नहीं आ जाएगा। क्या मिलाने से? काफिया काफिया वो नहीं शायरी में आता है जिसमें तरह काफिया क्या काफिया वो काफिया है सही लफ्ज। चले सही, आप सही कह रहे हैं, आप मेहमान है मेरे। काफिया मिलाने से जो है ना वो नहीं हो जाता है। क्या मतलब? अभी कैसे समझाऊ काफिया? देखो उधर अमरीका के बम, उधर अमरीका के बम, इधर अमरीका के हम। क्या हम बम? क्या नहीं, हम बम नहीं है। उधर अमरीका के बम, इधर अमरीका के हम। तो काफी अच्छा बम और हम है ना, है उधर अमरीका के बम, इधर अमेरिका के हम। माशाल्लाह। उधर जापान में हिरोशिमा, इधर पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन रीमा। ठीक है, काफिया मिला जी। काफिया मिला मिला। उधर जापान में टोकियो, जापान में टोकियो टोकियो, और इधर पाकिस्तान में टू की ओ। नहीं 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 मगर इसमें काफिया नहीं मिला। आखिर में मैंने आजाद शायरी की है। अच्छा सुनिए, क्योंकि प्रोग्राम जो है ना हमारा वो है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मतलब जहां आपकी जिंदगी गुजरी है और बकिया जिंदगी गुजरेगी। तो ये स्टॉक मार्केट जो है ना ये क्या है? क्या है? हाँ स्टॉक मार्केट क्या है? हाँ मगर आप जापान का जिक्र मत कीजिएगा। देखो मैं कावासाकू, अगर अल्लाह ने आपको अकल नहीं दी है तो आप अपने हर प्रोग्राम में इसका इजहार काय को करते हो कि आपके पास खोपड़ी नहीं है। खाली जापानी जापानी लाने जापान लाने से बोलने से जो है ना आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान जापान के बराबर में नहीं आएगा। क्या मतलब जापान में समझा नहीं? जापानी ला ने जापान ला ये बोलने से आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं समझा रहा हूँ, अभी जरा बोलो जा। नहीं तुम नहीं, जा जा पानी ला, पानी ला मिला के बोलो जा पानी ला। अच्छा अभी इसको भी मिला के बोलो जा 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 पान ला, पान ला मिला के बोलो जा पान ला। अच्छा ठीक है, जिंदगी से बात वेरी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदा रखे। अच्छा आपके वालिद साहब भी यही काम करते थे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, क्या मर गए? क्या मतलब? नहीं तुम टीवी वालों को पहले पता चल जाता है ना, तुम टीवी वालों को हर बार पहले पता चल जाती है ना। मगर क्या बात हुई? राहुल तुमने भूला कैसे क्या क्या काम करते थे? अच्छा मैं खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं था। क्या काम है? है, है? 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 तो क्या काम करते हैं? सुटेगा सुट्टा नहीं सट्टा, एक ही बात है, सट्टा और सुट्टा दोनों के अंदर जो है लॉस होता है, समझ में आए बात? जी जी दोनों का एंड बहुत खराब होता है, दोनों का एंड खराब होता है। देखो सट्टे में पैसा जाता है, जी बिल्कुल, सुट्टे में सेहत जाती है, ठीक है, दोनों का एंड बराबर हुआ ना जी। आदमी बगैर सेहत के भी मुस्कुरा सकता है जी, जब मुस्कुराना सेहत नहीं है लेकिन तुम मुस्कुरा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि बगैर पैसे के आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, मैं यही बात अपनी मेमुना को भी बोलता हूँ। मेमुना? मेमुना, मेमुना कौन? नहीं वो क्या बोलते हैं तेरी होने वाली भाभी। किसकी होने वाली भाभी? तुम्हारी होने वाली भाभी। मेमुना? हाँ। क्या हो गया आपको? आप और हम रिश्ते में कौन है? भाई भाई है ना मुसलमान के जी, तो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो बड़े भाई की बीवी कौन हुई? मेमुना। मैं समझ गया क्या बात कर। मेरा मतलब है पूरे पाकिस्तान की जितने भाभी हैं वो मेमुना है। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि आपकी बेगम मतलब मेमुना आपकी बेगम। मेमुना नहीं, क्यों? हम लोग कहाँ मेमुना नहीं बोलते, हम लोग कहाँ भाई की बीवी को जो है भाभी बोलते हैं, भाभी माँ बोलते हैं, रिस्पेक्ट। मतलब आपकी अभी शादी हुई है?
क्यों? अभी नहीं हुई है। क्यों? ये सब स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। शादी आपकी स्टॉक एक्सचेंज की वजह से नहीं हुई? या पिछले 15 साल से मेमुना के माँ बाप को मेरे में मंदी का रुझान नजर आ रहा है, और पिछले 15 साल से मेरी फैमिली को मेमुना के अंदर जो है वो तेजी का रुझान नजर आ रहा है। कितने कितने चीटर हैं ये लोग। देखो, पहले मैं से वादा किया कि मार्च वादे के अंदर जो है निकाह होगा, उसके बाद बोले फरवरी वादे में निकाह होगा, फिर बोले सितंबर वादे में निकाह होगा। मैंने तो परसों मेमुना को फोन कर दिया, मैंने उसको बोला खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे बुड्ढे दो। अच्छा चलिए, क्योंकि प्रोग्राम हमारा स्टॉक मार्केट पर है, तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या? किसी बहुत बुरे शायर का दीवान। स्टॉक मार्केट किसी बहुत बुरे शायर का दीवान। सब शेयर गिरे हुए, कोई शेयर वजन में नहीं, सब गिरे हुए। नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट के शेयर अलग होते हैं, शायर के शेयर अलग होते हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। अरे चलो चलो, बात करते हो, कोई फर्क नहीं होता। ये सारी मेरी जो फैमिली है ना। क्या? मेरी पूरी फैमिली। हाँ। फैमिली नहीं, फैमिली क्या होती है? फैमिली नहीं मालूम? नहीं मेरे को तो जिसकी होती है उसको मालूम है। आप समझते नहीं मेरी बात। तुम्हारी नहीं, तुमको नहीं मालूम होगा। फैमिली लव्स मेरी पूरी फैमिली शेयरों की वजह से परेशान है। फैमिली फैमिली इंग्लिश का वर्ड है। फैमिली PHAMALYYY। दोबारा बोलिए सर। यार तुम पढ़ते काय को नहीं हो, पढ़ो तो पता चले PHAMALYY। नहीं अगर मेंबर ज्यादा हो तो दो वाई और लगा दो। पास प्लीज। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छा शेयर जो है वो किसका है? मैं तुमको क्या बताऊं, 20-20 रुपए के शेयर खरीदते हैं, 5-5 रुपए में भी नहीं बिकते हैं। और शेयर क्या होगा मालूम है, गांधी गार्डन के शेयर से भी ज्यादा नीचे चले गए। नहीं, गांधी गार्डन का शेयर तो बहादुर शेयर है। क्या? गांधी गार्डन के शेयर जो हमारे हैं ना, बहादुर बहादुर अच्छे शेयर हैं वो तो। बहादुर जी क्या बोलूं भाई, सफेद बड़ों का ख्याल आ रहा है। अभी मैं थोड़े दिन पहले गांधी गार्डन में गया था, उनको मालूम है गांधी गार्डन में जो शेर था ना, उसने वहाँ लेडीज आई हुई थी, उन लोगों को देखा, तो उसकी जो अपोजिट है ना, क्या बोलते हैं उसको, शेर की अपोजिट, अरे शेर की मेमुना, शेरनी। हाँ शेरनी, शेर शेरनी, शेरनी, वही वही। तो शेरनी जो है ना, जैसे उसने शेर ने लेडीज को देखा ना, लेडीज को देखा शेर ने, तो शेरनी को गुस्सा एकदम चिल्लाई। क्या चिल्लाई? ये शेरनी की आवाज है, इससे ज्यादा आवाज नहीं निकाल सकता। वो चिल्लाई, शेर वहीं पे मर गया। तो मैं अगले मेहमान को बुलाऊं? कौन है? एक फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुक है उनका। अभी खुद एक बात की, उसको खुद मुखालिब कर लो कि किस पे प्रोग्राम का मजमून क्या है। तिजारत, दरामद, बरामद, बरामद, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इकोनॉमी है ना। तो फिल्म वाला किधर से फिट होएगा इसमें? फिल्म भी हमारी एक इंडस्ट्री है जी। अच्छा, तो उसमें से भी धुआं निकलता है। मैं तो समझा हमारी फिल्मों में से खाली धुआं निकलता है। नहीं नहीं, मैं जा जाऊँ। मौजूद सवादी हजरात, मेहमान कुछ भी बोल सकता है। क्या चीज? मेहमान कुछ भी बोल सकता है। हाँ मगर कैन स्पीक। मैं थोड़ी देर बात कर लूँ, मैं बुला लूँ, उसके बाद आप बात कर लीजिए। ओके प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं नहीं करता। खवातीन हज़रात, पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए हमारे यहाँ फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। जिन हालात में और जिन मुश्किलात से हमारी फिल्म बनाने वाले गुजरते हैं, उसका अंदाज़ा सिर्फ उनको हो सकता है। आज 3:45 की खुशनसीबी कि एक फिल्म डायरेक्टर यहाँ आने के लिए तैयार हो गए हैं और तशरीफ ला रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म के डायरेक्टर।
पहली दफा मैंने जिंदगी में किसी डायरेक्टर को फेस टू फेस देखा है। ये तो इंसान है। फिल्में देखने से थोड़ी लगता है कि इंसानों ने बनाई है। अलवर साहब, ये कौन है? ये बहुत बड़े ब्रोकर हैं। अच्छा, मुझे अपने फिल्म में डांस के लिए 2-3 फ्रेश चेहरे चाहिए। जरा जुमला रिपीट करना अपना। मुझे डांस की पिक्चराइजेशन के लिए कुछ नए चेहरे चाहिए भाई। आप प्लीज बैठे, ये स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं। प्लीज आप बैठे। सर मैं माफी मांगू, मेरी माफी, मैं आपके मेरे को समझ क्या आ रहा है? प्लीज प्लीज सर, आप मेरे को बोलते हैं नए चेहरे दिखाओ, मैं कौन हूँ? मैं आपसे माफ, मुझे माफ करें आप प्लीज, मेरी गलती। पौने पीने इसलिए बच गया, नहीं तो मैं तेरे को बताना। ना पौने तीन नहीं होता तो क्या कर रहे था तू भाई? मैं आपको इज्जत से सलाम करके चला जाता। बात यह है कि ये बहुत मशहूर हमारे ब्रोकर हैं स्टॉक मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तानी फिल्म कब ठीक होगी? जब पाकिस्तान ठीक होगा। इतना लंबा नुस्खा बता दिया। अब हसर के दिन कौन देखेगा पाकिस्तानी फिल्म? किसके दिन? हसर के दिन। नहीं, आप मेरे को ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी फिल्म क्यों बुरी लगती है, क्या खराबी होती है पाकिस्तानी फिल्म में? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली खराबी इसके अंदर ये होती है कि पाकिस्तानी फिल्म किसी के साथ नहीं देखी जा सकती। नहीं, खराबी बताएं, क्या खराबी होती है? इसलिए कि साथ में कोई जाने को तैयार नहीं होता। क्यों? अच्छा एक एक बात बताओ, आप फिल्म बनाते हो ना? हाँ जी। आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते हो कि आपकी बख्शिश हो जावे? प्लीज इनको समझाएं अनवर साहब, अगर मुझसे कुछ हो गया तो फिर ना बोलिएगा आप। अरे एक तो इन लोग की फिल्म के अंदर गलत बयानी बहुत होती है, बहुत गलत बयानी होती है। अनवर साहब, क्या गलत बयानी होती है? मैं बताता हूँ, अभी मैंने एक फिल्म देखी, एक लंबी चौड़ी हीरोइन गा रही थी, मन तो पे वारूं तन तो पे वारूं। तो इसमें गलत बयानी की कौन सी बात है? एक मन से ऊपर की हीरोइन थी वो। उसको मन तो पे वारूं नहीं गाना चाहिए, उसको सही गाना चाहिए तीन मन तो पे वारूं। अगर लड़ने का शौक है पूरे खड़े हो। नहीं प्लीज मेरी बात सुने, आप बात सुने जी, मेरे को पूरा खड़ा हो गए। आप बात सुने जी, आप सुने, एक तो ये सोचे कि पौने तीन जो लोग देखते हैं ना, जो उनका दायरा है गुफ्तगू को उसी दायरे तक रखें। जी जी। अच्छा जी ये बताए कि आपके यहाँ फिल्म, आप लोग फिल्म कैसे बनाते हैं? छुप के। अनवर साहब आप इनको समझा लें, ये टीवी वालों का फिल्म वालों के साथ हमेशा यही रवैया रहा है। आप देखें, हालांकि फिल्म वाले टेलीविजन को बड़ा सपोर्ट करते हैं, टेलीविजन के हर इश्तेहार में फिल्म के सितारे, हर ड्रामे में फिल्म के सितारे, हर म्यूजिक प्रोग्राम में फिल्म के सितारे, हर स्टेज शो में फिल्म के सितारे। टेलीविजन और ये फिल्म की अहमियत को कोई कम नहीं कर सकता। टेलीविजन का स्क्रीन कभी इतना चौड़ा नहीं हो सकता। कट, लाइट ऑफ, पैक अप, कल आपकी आउटडोर है, बारिश में गाना है। मेरा बारिश में गाना है, मेरे को सर्दी लग रही है। आपसे नहीं कहा इन्होंने। अच्छा प्लीज आपसे नहीं कहा। ये आपको क्या हो गया? माफ कीजिएगा अनवर साहब, मेरा जहन अभी तक स्टूडियो में फंसा हुआ है। आप बात ये बताएं कि हम क्यों फिल्म अच्छी बनाएं, आप ये बताएं यहाँ क्या अच्छा बनता है? यहाँ बेवकूफ अच्छा बनता है, बेस्ट इन एशिया। इनको समझाएं। अब आप मेरे को एक बात बताएं, जब यहाँ कोई चीज अच्छी नहीं बनती तो हम फिल्म क्यों अच्छी बनाएं? यहाँ क्या अच्छा होता है बताएं? यहाँ लीडर अच्छा होता है बताओ, यहाँ तालीम अच्छी होती है बताओ, यहाँ माशरा अच्छा है बताओ। अच्छा होगा तो बताएंगे। नहीं आप बताएं, हमारे यहाँ पे 80% लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम 20% लोगों के लिए फिल्म नहीं बना सकते, हम 100% फिल्म बनाते हैं। 80% स्क्रीन के ऊपर तो हीरोइन होती है, 20% बच जाते हैं, उसमें 10% हीरो ने, 10% गाने ने, डांस वांस होते हैं, फिल्म खत्म। एक बात सुन लो, अगर किसी हीरोइन के हाथ आ गए तो स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन बंद रहेगा। हीरोइन के हाथ नहीं, हत्ते।
क्या बात करते हैं जी, बात यह है कि मुझे तो पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जी। मेजबान को बहुत अच्छी फिल्में होती है जी। मेजबान को लपाड़िया नहीं होना चाहिए, उसके मुंह पे बुराई करो, तुम्हारी बीवी नहीं है जो डर रहे उससे। प्लीज जी बात करते हो। प्लीज जी, बात यह है कि जिन हालात में अभी मैंने जिक्र किया आप लोगों से कि जिन हालात में आप लोग फिल्म बनाते हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल यकीन नहीं आता कि यहाँ फिल्म बन सकती है, और फिर बुराई करना तो सबसे आसान बात है किसी चीज की। बिल्कुल जी, अनवर साहब अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी एक फिल्म थी मुझे याद है, मुस्लिम सोशल फिल्म थी। हाँ, कोई 3 साल पहले मैंने मुस्लिम सोशल फिल्म बनाई थी, 5 टन की बनी। 5 टन की फिल्म? हाँ, जब फिल्म बन गई और मैंने उसके डब्बे तोले तो पूरे 5 टन के निकले, फिल्म डब्बा हो गई। तो कहानी क्या थी? सोशल फिल्म में कहानी की जरूरत होती नहीं। नहीं, फिर भी मतलब आपने क्या रखा था उसमें? भाई मुस्लिम सोशल फिल्म में मैंने एक मुस्लिम डाला, 3-4 सोशल खवातीन डाली, 3-4 कवालियां डाली, एक ईद मुबारक का सीन डाला। पहले शो के बाद प्रोड्यूसर की बकरे ईद हो गई, अभी भी वो स्टूडियो में दुम्बा बना हुआ बंधा हुआ है। 3:45 की अगली मेहमान है। की कौन है? एक अदाकार है। अदाकार? कंगा देना, कंगा देना। कंगे से क्या करना है, ये आपने मूछे बनानी है? खवातीन हजरात, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, मगर यहाँ की अदाकाराएं जो हैं अदाकारी में अपना जवाब नहीं रखती। इस वक्त की मसरूफ तरीन, मशहूर तरीन और कामयाब तरीन हीरोइन तशरीफ ला रही है, नीली। वोट खून की अमानत है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। मेरा टीवी खराब है क्या? इलेक्शन बाकी है अभी, आप ये कह रही है वोट खून की अमानत है? जी हाँ, बाई इलेक्शन। और इधर भाइयों के भी इलेक्शन होते हैं क्या? प्लीज, अरे नहीं, बाई अंग्रेजी का लफ्ज है जी, प्लीज बैठे आप। क्या हो गया आपको? बाई मतलब गुलाबी। गुलाबी? गुलाबी। आई थिंक कलर ब्लाइंड। इसे एक बार है जी, आप जब डांसती है ना जी, डांसती मैं मतलब है, जब आप डांस करती है ना पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। रुक जाता है? हाँ। लेकिन मैं सड़क पर तो डांस नहीं करती। नहीं नहीं, आप उधर जब सिनेमा हॉल के स्क्रीन के ऊपर डांस करती है ना, तो वो बोतल वाले, वो सौदा बेचने वाले ने, टिकट चेक करने गेट वाले सारे रुक जाते। रुक जाते? मैं तो हमेशा गॉड का थैंक्स करती रहती हूँ। मेरी बात सुनिए जी, हमारे यहाँ की चंद अदाकाराएं जो है उनमें से आप एक है माशाल्लाह। अब आपको चंद कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त द आई एम द ओनली वन। एक बार मना, ये आपने किससे सीखा? क्या मैं मतलब डांस आपने किससे सीखा? ओ डांस इनकी फिल्म थी घुंगरू ते। कौन सा नाम है घुंगरू ते? हाँ घुंगरू ते, नाम क्या है ये बताओ ना। घुंगरू ते, घुंगरू ते मैं बताता हूँ, वो मेरी फिल्म थी, वो जनाब फिल्म का नाम था घुंगरू ते झनकच। आपने ज्यादातर जो फिल्में बनाई उसमें ते का सहारा बहुत लिया है आपने? हाँ, मैंने जितनी फिल्में बनाई है उसमें ते का मैंने बड़ा सहारा लिया, जैसे हातम ते कासम। हातम ते कासम? हातम ते कासम, गुना ते गार। ये मेरी अपनी इख्तरा है, गुना ते गार। गुना ते गार, पे ते टे। ये नहीं पढ़ सके होंगे लोग, पेट एटे, मगर ये इंडस्ट्री में जरा चला नहीं ना। पता जी, आप अपने डांस का बता रही थी। जी हाँ, मैं डांस का बता रही थी, इनकी फिल्म थी घुंगरू ते झनकार, लेकिन मुझे डांस नहीं आता था तो ये मेरे पास आए। कितने? प्लीज प्लीज अपनी उम्र देखिए, अपनी हरकतें देखिए। यू आर टू मच। आई एम वेरी मच। अनवर साहब तो फिर ये मेरे पास आए, कहने लगे देखो शहर से वापस आ रहा है, उसके आंखों में तुमने कूद कूद कर नाचना है। मैंने कहा कि मैं पहले नाच लूं बाद में कूदूंगी, तो ये कहने लगे नहीं, कूद नाच, पब्लिक की डिमांड है। कूद नाच क्यों? जनाब ये कूद नाच असल में कथक की एक किस्म है,
इसमें पहले 2 फीट दूर से कूद के आओ, फिर 3 फुट दूर से कूद के ताओ, फिर 6 फुट दूर से कूद के भाव बताना पड़ता है। देखें, मैं कहती हूँ वोट मुल्क की अमानत है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। बीबी कोई बात, मेरी बात सुने, वो आप डांस का बता रही थी ना, तो उसको जरा सा ओके ओके। देखें, इन्होंने मुझसे कहा कूदो। इन्होंने आपसे बोला कूदो? हाँ। क्यों छोकरी को बोला कूदो? प्लीज कूद, कूद जाना चाहिए था आपको। प्लीज ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने फिल्म के लिए कहा कूदो। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं नहीं कूद सकी। अनवर साहब, इन्होंने एक बड़ा डिब्बा निकाला और फ्लोर पर खोल दिया। आप यकीन करें, फिर जो मैं कूदी हूँ तो ये सब पागल हो गए। ये माजरा क्या है, यानी डिब्बा सामने आया, आप कूद गई? हाँ। मैंने बोला ये डिब्बे में क्या था? 500 झिंगर। ये तो कुछ भी नहीं, मुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हिरन को कुदवाने के लिए इन्होंने तो कोबरे छोड़ दिए थे। कोबरे? हाँ। वही 4-5 कोबरे तो तंदुरुस्त हिरन के कदमों थले आकर अगर बतिया बन गए थे। जी, जिंदगी में पहली मर्तबा लोगों ने कोबरा को हंसते देखा है। महाराज कुदक। ये कौन सी जबान, इनसे बोले पूरे खड़े हो गए। ये महाराज कुदक, आप एक बात ये बताओ, कभी आप लोगों ने हमारे ऊपर कोई फिल्म बनाई लव स्टोरी? क्या कहते? आपकी लव स्टोरी? यस, आप बनाओ लव स्टोरी। पहला सीन, म्यूजिक तुम गा रही हो। मेरी फिल्म। ठहर जाए, मैं जरा बाल सेट कर लूं। जी, आप गा रही हो हमारी फिल्म में लव स्टोरी में। नैनो से नैन मिला आई। नैनो से नैन मिला आई। नैनो से नैन मिला आई। कट, दूसरा शॉट आप गा रही है मेमन की जो जगाई। वो मेमन अलग है, मैं मन की जो नहीं, नहीं। आपको पता नहीं है? अरे नहीं ना, आजा सुना तो सही ना। मैं मन की जोत जगाई, मेमन की जोत जगाई, और इधर से एक मेमन पान खाता हुआ आ जाए, ऐसे मुझ पर आता हुआ। अच्छा, ये मुझे बात करने दो। करे करे। ये सेंसर वाले आपके बड़े खिलाफ हैं जी। बस अनवर साहब, उनको तो अल्लाह ही समझेगा, हमारी अच्छी खासी जुम्मे को रिलीज होने वाली फिल्म को मंगल बुध बना देते हैं। अच्छा, काट देते हैं। अच्छा, मगर देखिए, मुझे तो इतराज नहीं है पाकिस्तानी फिल्म पर, मगर जो आप लोग जो जूम करते हैं ना, मुझे उस पे इतराज है बस। कैसी बातें करते हैं अनवर साहब, आप तो समझदार आदमी हैं, जूम पे तो दुनिया कायम है, दुनिया भी एक गोला है। अब आप खुद बताए ना, हम कुदरत के उसूल में कैसे दखल दे सकते हैं। पिछली फिल्म में मेरी एक गाना था कि हीरोइन घोड़े पे बैठ के गाना गा रही है। सेंसर वालों ने एतराज किया कि इसमें से घोड़ा निकाल दो। गाने में से घोड़ा निकाल दो? हाँ जी, एतराज किया कि इसमें से घोड़ा निकाल दो। मैंने उसमें से घोड़ा निकाल दिया, फिर मैंने फिल्म दोबारा भेजी, उन्होंने फिर देखी, फिर जब बगैर घोड़े के हीरोइन नजर आई गाती हुई तो अजीब ही पोज था कुछ। फिर एतराज किया, कहने लगे कि ये क्या है, ये किस किस्म की हीरोइन है, किस किस्म का गाना है। मैंने कहा, उनको समझाया, मैंने कहा भाई बात सुने, आप अगर घोड़े पे बैठे और मैं घोड़ा निकाल दूं तो आप कैसे लगेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया, अच्छा खासा मेरा संजीदा गाना था, कॉमेडी बन गया। हाँ अनवर साहब, मैंने इनके एक फिल्म का गाना पिक्चराइज करवाया, पता है कैसे? ऊंट पर बैठकर। ऊंट पर बैठ के गाना? हाँ जी, असल में सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा रखी है। बात यह है जी, मैं तो क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में देखता हूँ, मुझे पसंद भी आती हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जो मैं नहीं देखता। झूठे। मगर आप लोगों की जो नई फिल्में हैं, ये मार धाड़ से पुर होती हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। देखें अनवर साहब, मैंने भी डायरेक्टर जी से यही कहा था कि भाई आखिर कब तक हीरोइन मारेगी और हीरो धाड़ेगा, मगर ये बात इनकी समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने एक फैसला किया है कि वो अपने मुल्क की अमानत है, आप इसे इस्तेमाल करें। यार यार साहब, वोट नहीं हो गया, साबुन की टिकिया हो गई। कि जिसको हीरोइन गा रही है कि मेरे, वो बिल्कुल वोट का इश्तिहार बना दिया, मेरे हलके का निखार, मेरे हलके का निखार, सूबाई टू लेट वोट।
पानीपुर के आखिरी मेहमान हैं, एक ऐसे साहब जो पूरे कौम के मुस्तकबिल का हाल सितारे देख के बता देते हैं। पिछले 50 बरस से आप दुनिया भर घूम चुके हैं, देख चुके हैं, सितारों को देखते हैं और आपकी किस्मत का हाल बता देते हैं। सारे इंडस्ट्री वाले, स्टॉक एक्सचेंज वाले, सरकारी लोग आपके पास जाते हैं। हमारी खुशनसीबी कि आप पौने तीन में तशरीफ लाए हैं। इल्म नजूम के माहिर तशरीफ ला रहे हैं, माहिर इल्म नजूम। नजूमी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि ये सेंसर वाले हम फिल्म वालों से खार क्यों खाते हैं? तशद्दुद भाई, डांस में तशद्दुद। तशद्दुद कौन सी फिल्म में थी? अच्छा अच्छा, तशद्दुद खानम कोई पस्तो फिल्म होगी। प्लीज, गाने में तशद्दुद, डायलॉग में तशद्दुद। मेरे को तो गाने तशद्दुद नहीं अच्छे लगते, मेरे को तो मैडम नूर जहां की आवाज बहुत अच्छी लगती है। क्या गाती है वो? कौन है? है? कौन? ये कौन? ये जानो जिंदा हो सकता है? दिमाग खराब हुए 30 साल से ज्यादा कर सकते। चला बात करता है, मैंने अपने आप को नहीं पूछा है। मेरी बात सुने आप, क्योंकि ये एक संजीदा प्रोग्राम है तो इसलिए बात भी बहुत अभी बहुत लेवल की बातें हुई है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये सितारों को देख के किस्मत का हाल कैसे बता देते? दरअसल ये सारा काम जो है मेरा तोता तोप चला के किया करता था। पिछले हफ्ते ये हुआ कि मेरा तोता जो है तोप का मुंह साफ कर रहा था, किसी वक्त वक्त में तोप चला दी। अब तोते का सुफूफ मेरे पास रह गया है, उसी से मैं लोगों का हाल बताता हूँ। अच्छा, आप नजूमी हो जी, ये ताजिर बिरादरी कब ठीक होगी? भाई वो तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक गैस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाए और उसमें 10-20 ताजिरों को बिठाकर ओपनिंग कर दे उसकी। बताइए, गुलदान मार्बल का और पेंदा चरस से भरा हुआ, चमड़े का जूता और एड़ी हीरोइन की। तोबा, हमारे यहाँ हीरोइनों की एड़ी सबसे ज्यादा तकलीफ में रहती है। हाँ। पता है क्यों? हाँ? बेचारी बहुत बोझ बर्दाश्त करती है। नजूमी साहब, मेरी हीरोइन नाराज होके चली गई है, अब अगर वो वापस आए तो मैं उससे क्या कहूँ? ओहो, मगर मैं कहती हूँ वोट कौन की अमानत है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे सितारे ये बता रहे कि आपने वोट नहीं डाला था। जी है? अगर मैं वोट डालने जाती तो लोगों को वोट की अहमियत कौन बताता? भाई क्या हो रहा है, खामोशी, यहाँ खामोशी चाहिए मुझे। क्यों, क्या तुम आखिरी सांस लेने वाले हो? प्लीज। नहीं जी, क्या हो गया? प्लीज, मेहमान की शक्ल मेरे को अच्छी नहीं लग रही। देखो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, जुपिटर नाच रहा है, विर्गो कूद रहा है। तेरे विर्गो को तेरे जुपिटर के ऊपर खेत के मारूंगा, बकवास करेगा तो। अरे मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज की जो हमारी बिल्डिंग है ना उसके साथ फुटपाथ के ऊपर इसकी पूरी फैमिली रहती है। पुलिस वाले आते हैं ये तोते छोड़ के भाग जाते हैं। इनके सारे तोते हमारे घर के अंदर है, 12-13 तोते। और ऐसी मेरे को नफरत आ रही है, और इनके जो तोते हैं ना हमारे वहां जो डाकिया आता है ना उससे लिफाफे छीन लेते हैं। अब तो डाकियों ने भी हमारे घर में आना छोड़ दिया है। तेरे सितारे गर्दिश में है। तेरे को 40 रुपए दूंगा, मेरे सितारे रोशन कर देगा। अभी 80 रुपए तेरे को दूंगा ना, 80 रुपए मेरे को तू मिनिस्टर बना देगा। मैं अगर 1000 रुपए दे दिए ना तो तू इससे शादी करा देगा। प्लीज जी, प्लीज, मैं तेरे सारे शेयर्स भस्म कर दूंगा। अरे चला, मुदारबे के थे 6 महीने पहले ही भस्म हो गए। अब बोल, तेरा बाप तुझे आग कर देगा। अरे मेरा बाप रहते ही मेरे साथ है। अब बोल, तेरी जो मंगे तेरे ना मेमुना उधर तुझे छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाएगी। मेरी ऐसी किस्मत का
मेरी ऐसी किस्मत का मेमूना मेरी थी अनवर, मेरी है और मेरी रहेगी। मैं पता नहीं उसका रहता हूं कि नहीं रहता हूं, मगर मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। मैं ताबिंदा रहूंगा, वो पाइंदा रहेगी, वो बिंदी रहेगी, मैं टिंडा रहूंगा। मैं कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। सेठ, तुम्हारे में और हमारे में बहुत फर्क है। अरे कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा तोता बोलता था, हमारी तोती बोलती है। तोती नहीं, तूती। मेरी मर्जी है, हम लोग यहाँ तूती बोलते हैं। नजूमी साहब, आपकी बातें मेरे दिल को लगती हैं। मुझे आपकी बातों पर इतना ही यकीन है जितना मुझे अपने डायरेक्टर ना होने पर यकीन है। पहली बात मुसलमान होने के नाते ठीक बोली है। बीबी जी, आप ये बताइए कि आप इतनी बड़ी अदाकारा हैं, जी जी, इतनी फिल्मों में आपने काम किया है और इस वक्त सबसे मसरूफ अदाकारा हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो और जो हमारे नाजरीन और हाजरीन के लिए आप सुना सकें। हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर। चुप है नाइंजल, प्लीज। आपसे नहीं कहा है, प्लीज। ये क्या चुप है सेठा, वो डायलॉग सुना रही है, प्लीज। क्या? अच्छा, मैं सॉरी, मेरा मुंह इधर था, मैं समझा मेरे को। कोई बात नहीं। ओ सेठा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हें नचवा दूंगी। मैं नाच नहीं सकता, मेरे चूक पड़ जाती है। प्लीज सर, आप एक बड़े, दो दफा मैंने कोशिश की, मेरी स्लिप डिस्क हो गई। आप बहुत मोतबर आदमी हैं। कौन था आप, कभी आप कहां? नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट में आपका एक नाम है। प्लीज जी, आप मुझे बात बताएं। जी जी, कि आप हैं क्या? हैं? आप क्या हैं? बहुत कुछ थे, बस वो जो तोता था मेरा, वो तोप का मुंह साफ कर रहा था, किसी ने तोप चला दिया। जालिम दरिंदे, बस खुद नहीं तोप साफ कर सकते थे, तुम तोते से तोप साफ करा रहे थे। इसको खामोश करवाएं। अब उस तोते का मेरे पास सिर्फ ये सुफूफ रह गया है। तो भाई और बहनों, ये है वो तोते का सुफूफ। इसको आप तोप का सुफूफ समझे, इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जोड़ों का दर्द, दिमाग में कोई खराबी है, वो भी ठीक हो जाती है। दांतों के लिए भी बहुत मुफीद है ये। इसको खा के दांतों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। निजात में याद आया कि निजात सीरियल अभी भी खत्म हुई है, उसमें अतिका उद्धव ने बड़ा अच्छा काम किया था। वैसे इस प्रोग्राम का मौजू क्या है? ख्वाजीन हजरात, बात यह है, पौने तीन का मौजू हमेशा अच्छा होता है। ये तो है, मगर पौने तीन का जो पहला मेहमान होता है वो इतना गैर मौजू होता है कि सारे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक मिनट, पहले कौन आया था? नहीं नहीं, मैं आप खुद आए थे सबसे पहले। खुद आए थे, सॉरी। बाकी नजरात, आप देखिएगा, दो प्रोग्राम और रह गए पौने तीन के, उनमें क्या होता है। जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक का। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।